Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you all the chapter number 11 of the subject English grammar. In today's class, I am going to explain you the chapter subject verb agreement. Subject verb agreement. Now, before starting this chapter, we have to understand what is subject and what is verb. स में हमेशा बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होना चाहिए आपका एडजेक्टिव हो या ना हो ठीक है चलिए सॉरी एड्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो जैसे मैंने यहां पर लिखा कुाल इज राइटिंग ओके ये एक सेंटेंस है जिसमें कुणान इज अ सब्जेक्ट इज इज हेल्पिंग वर्ब एंड राइटिंग इज मेन वर्ब अब सब्जेक्ट कुनान कैसे है तो आप ये समझिए उन एंड प्रोनाउन आर सब्जेक्ट्स और वर्ब क्या होते हैं वर्ब आर एक्शन वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है ठीक है तो कड़ान क्या कर रहा है लिख रहा है इस मेन वर्ब के पहले जो शब्द आता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइनाइट वर्ब इन अंटेंस मस्ट ऑलवेज अग्री विथ इट सब्जेक्ट नंबर वेन द सब्जेक्ट इज सिंगर दर्ब मस्ट भी सिंगुलर यह सिंपल सा कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर में ही होना चाहिए वेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट भी प्री तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब भी प्रुलर में प्रूलर में होना चाहिए जैसे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट कै तो यहाँ इज ही लगेगा अगर यहाँ पे मैं प्लूरल लिख दूंगी जैसे दे मैंने लिख दिया तो दे के बाद आर हो जाएगा वर्ब तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट दैट लुक प्लूरल अब हम यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ नाम ऐसे पढ़ेंगे जिनको हमें पढ़ के तो लगता है कि ये सिंगल है बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं सॉरी जिन्हें हमें पढ़ के लगता है कि वो प्लूरल है यानी दो या दो से अधिक है लेकिन होते एक ही हैं जैसे मैंने बोला मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स लास्ट में एस लगा है ज्यादातर हम लास्ट में एस उन शब्दों में लगाते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट है ठीक है पढ़ते हैं हम आगे देयर आर सर्टेन नाउन्स विच एंड इन एस एंड लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन नंबर दे टेक सिंगुलर वर्ब्स तो ऐसे वर्ड्स के साथ जो वर्ब्स जाएंगे वो सिंगुलर ही जाएंगे जैसे दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी फॉल्स तो दिस न्यूज के साथ इज ही लगा है क्यों क्योंकि न्यूज में लास्ट में एज जरूर है बट ये एक सिंगुलर चीज है अकाउंट्स सब्जेक्ट का नाम इसीलिए इज मीजल्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रेन मीजल्स क्या होता है मीजल्स जो जुए होती है सिर पर उसको कहते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स आप देख सकते हैं यहां पे मौजूद सारे शब्दों में सारे सब्जेक्ट्स में क्या है एस लगा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली में सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगा है नेक्स्ट वेन अ प्रॉपर नाउन इज प्लूरल इन फॉर्म बट स्टैंड फॉर वन सब्जेक्ट इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इसी तरीके से कह रहा है जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं और वो प्लूरल में होता है बट एक सब्जेक्ट के लिए होता है तो भी वर्ब हम सिंगुलर ही लगाते हैं जैसे नंबर वन नायर एंड सन इज अ फेमस बुक शॉप इन बेगम बाग जैसे आप ये समझिए यहाँ पे नाम तो दो लिखा गया है नायर एंड संस लेकिन एक ही शॉप का ये नाम है जैसे होता है अपने सरसा में ही है हेतराम एंड सन्स मान लीजिए तो नाम तो आपको ऐसे लग रहा है एंड सन्स तो लड़के और हो सकते हैं बट एक ही दुकान का नाम है ये इसीलिए ये सिंगुलर हुआ इसीलिए इसके साथ भी वर्ब क्या लगेगा सिंगुलर नेक्स्ट कंडीशन व्हेन टू नाउंस आर ज्वाइंट विथ एंड एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग और सजेस्ट वन आइडिया सिंगुलर वर्ब उसी तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं जॉन एंड ईरा आर गोइंग टू अटेंड अ फंक्शन मिस्टर रादर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर एयरिंग टू नाइट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस राइस एंड करी इज अ फेवरेट डिश अब ये क्या कह रहा है अगर जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही जगह पे जा रहे हैं या एक ही काम कर रहे हैं तो भी हम वर्ब क्या लगाते हैं सिंगुलर ही लगाते हैं वेन द सब्जेक्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट और मैथमेटिकल इक्वेशन द वर्ब इज यूज सिंगुलर इसके अलावा हम अगर किसी मेजरमेंट की बात करते हैं या मैथमेटिकल इक्वेशन बात करते हैं तो भी हम सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही लगाते हैं जैसे हमने बोला हंड्रेड किलोमीटर्स है तो हंड्रेड लेकिन अगर हमको सेंटेंस में यूज करना होगा तो हम कैसे यूज करेंगे हंड्रेड किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ठीक है फाइव प्लस फाइव इज टेन हम आर टेन नहीं लिखेंगे तो मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए और मेजरमेंट के लिए भी हम इज ही लगाएंगे वेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंट बाई और नीदर नॉर सिंगुलर वर्ब इसके अलावा अगर दो सब्जेक्ट को और नॉर या नीदर से जोड़ा जाता है तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट जाता है जैसे ही और ब्रदर इज टू ब्लेम अगर मैंने बात किया आप लोग एक भाई बहन है अगर मैंने बोला या तो तुमने ये काम किया है या तो तुमने ठीक है बात तो एक ही जन ने की है ना काम तो एक ही जन ने किया है तो ये भी सिंगुलर हुआ इसीलिए इसके साथ भी वर्क किया जाएगा सिंगुलर इसके अलावा द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब्स इसके अलावा ये जितने वर्ड्स दिए हैं प्रोनाउन के ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब्स ही लेते हैं जैसे अनदर ईच एवरीथिंग नो बडी सम्रा अब ये तो बात थी सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर होते हैं अब पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स जो प्लूरल होते हैं द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स कुछ प्रोनाउंस हमेशा प्लूरल होते हैं इसीलिए प्लूरल वर्ब्स लेते हैं जैसे बोथ यानी कि दो जन मैनी दो से ज्यादा फ्यू भी यानी कुछ लोग और सवरल भी यानी कि कुछ लोग एग्जाम्पल्स जॉन एंड जॉनन आर ब्रदर्स बोथ लुक ए लाइक मेनी अ स्टूडेंट ट्रेल हार्ड टू पास हिस्स मेनी अड इन द टेस्ट फ्यू हैव फेल्ड तो ये क्या कह रहा है ये जितने वर्ड्स हैं ये प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं नेक्स्ट टू एंड मोर सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंट बाई एंड मेक अ प्लूरल सब्जेक्ट दे टेक अ प्लूरल व जैसे क्या कह रहा है दो सिंगुलर नाउंस को अगर हम जोड़ेंगे तो हम कैसे बात करेंगे जैसे जैकोब एंड जोसेफ आर कर्मिंग तो दो लोग आ रहे हैं ना तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट्स हम बात एक एक इंसान की ही कर रहे हैं लेकिन एक बार में दो इंसान की कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में तो ये ऑटोमेटिकली प्लूरल हो गया ठीक है नेक्स्ट इसके अलावा ये जो है अब आप देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ चीजें जो यूज करते हैं जैसे सॉक्स हमेशा एक पेयर में होता है ठीक है आप कभी एक सॉक का कुछ नहीं करोगे आप कभी एक सॉक्स नहीं मांगोगे जींस एक ही कपड़ा है लेकिन दो पैर में पहना जाता है जींस बोला जाता है ठीक है स्पेक्टिकल्स यानी कि आपका चश्मा दो आंखों के लिए ठीक है ट्राउजर्स पैंट्स और सीजर्स ये सारी चीजें हम क्या करते हैं हमेशा एस लगा के बोलते हैं बट एक्चुअली ये है क्या ये सिंगुलर होता है ठीक है तो ये सारे रूल्स थे इस चैप्टर के अब हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं गिवेन ऑन पेज नंबर सेवेंटी रीराइट देंटेंगे फर्स्ट फिफ्टी रुपीज डैश अ बिग अमाउंट फॉर हिम हमने अभी पढ़ा था मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मेजरमेंट के लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो यहां क्या लगेगा इस दूसरा साहिब सिंह एंड सन्स डैश इज वेल नोन स्पोर्ट्स कंपनी साहिब सिंह एंड वही बात आई जो मैंने अभी आप लोगों को हेतराम का एग्जाम्पल दिया था एक ही कंपनी है तो ये एक ही सब्जेक्ट हुआ इसीलिए इज इस लगाएंगे थर्ड राइस एंड करी डैश इजी टू कुक हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं राइस और करी की जिसको हम एक ही साथ खाएंगे राइट right? आप राइस अलग या करी अलग नहीं खाओगे करेक्ट तो यहां भी हम इज लगाएंगे फेमस इंग्लिश नॉवल नाम तो सन्स एंड लवर्स है लेकिन एक ही नॉवल एक ही बुक के बारे में बात हो रही है इसीलिए स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है किसने लिखी थी जोनाथन स्विफ्ट ने इसीलिए वॉज लगेगा वर नहीं लगेगा नेक्स्ट फिफ्टीन डेज इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड मैंने अभी आपको समझाया था मेजरमेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन uh, और इस तरीके की हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं नेक्स्ट ऑल इज फेयर इन लव एंड नाइन्थ ईच ऑफ थीव इज सेंट टू जेल ईच के साथ हमने यहाँ पे पढ़ा था कुछ शब्द के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी जाता है और ईच भी उन्हीं शब्दों में आता है जो ये यह यहाँ पर टेबल दिया है मैं उसकी बात कर रही हूं ठीक है तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आज सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट चैप्टर नंबर इलेवन इन योर कॉपीज यू विल राइट दिस हेडिंग सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट एंड दिस डेफिनेशन इसके अलावा जो ये एक्सरसाइज दी हुई है वन uh, सेकेंड इसके अलावा ये जितने रूल्स दिए हुए हैं पहली हेडिंग आप डालेंगे सब्जेक्ट्स दैट लुक प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट्स दैट लुक प्लूरल जितने रूल्स दिए हैं सबको लिखेंगे विथ वन वन एग्जाम्पल्स ईच ये पूरा रूल वन एग्जाम्पल पूरा रूल ये वन एग्जाम्पल ऐसे यहां पे जितने रूल्स दिए हैं ये आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे टोटल सिक्स हैं फिर सब्जेक्ट विच आर प्रूरल इसके भी तीनों रूल्स विथ वन वन एग्जाम्पल्स ईच ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे एक्सरसाइज को बुक में ही सॉल्व करेंगे सो दैट्स इट फॉर द टूडेज क्लास थैंक यू वेरी मच